कोटा से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर लाखेरी डीएसपी ओम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बूंदी, कोटा, जयपुर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जयपुर में टोंक फाटक के पास निवास पर चल रही छापेमारी, एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी के निर्देशन में ये छापेमारी चल रही है। बूंदी के सरकारी निवास की तलाशी में मिले हैं करीब 1.5 लाख नकद। एसीबी को संभवतः यहाँ पर लग रही है रिश्वत की राशि। तो किस तरीके से यहाँ पर एसीबी जिस तरीके से एक्टिव मूड में नजर आ रहा है, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। राजस्थान में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो इन दिनों विशेष एक्टिव मूड में है। कोटा एसीबी टीम ने आज बूंदी में बड़ी कार्रवाई करते हुए जो लाखेरी के डीवाईएसपी हैं ओम प्रकाश चंदोलिया को 24,000 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जयपुर, कोटा और बूंदी सहित उनके कई ठिकानों पर एसीबी तलाशी अभियान ले रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यही वो घर है जहाँ पर एसीबी का सर्च अभियान जारी है। एसीबी की टीम है, जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं देशराज यादव उनकी टीम और जो सीआई है मांगीलाल उनकी टीम इस घर के अंदर सर्च ले रही है। सर्च ये शाम तक चलेगी और शाम तक सर्च चलने के बाद इसके घर में क्या कुछ निकलता है, कितनी जो रिश्वतखोरी से कमाई हुई जो ज़मीनें हैं वो निकलती है, उनका खुलासा होगा। ये पूरी कार्रवाई है जो एसीबी के जो डीजी हैं आलोक त्रिपाठी, एडीजी सौरभ श्रीवास्तव और आईजी जो है दिनेश अमन उनके निर्देशन में की गई है। वहीं जिस कोटा जो एसीबी कार्रवाई को की है, वहीं जो कोटा एसीबी के जो एसपी हैं सुधीर चौधरी और कोटा एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं चंद्रशील ठाकुर उनके नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कैमरामैन पवन के साथ नवीन शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।